कंसंट्रेटेड ऑयल। प्रीवियस वीडियो में हमने पांच डेफिनेशंस डिस्कस की थी, दैट इज रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, स्मेल्टिंग, एल्यूमिनोथर्मी, थर्माइट रिएक्शन। उनके बाद भी हमें प्योर मेटल मिला था, मर्करी और जिंक, अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो वीडियो नंबर 8 को चेक करो। और यहां पर हमें क्या मिल गया, सोडियम मेटल। तो हमने हाई रिएक्टिव मेटल भी निकाल कर देख लिया, लो रिएक्टिव मेटल भी निकाल के देख लिया, मीडियम रिएक्टिव मेटल भी निकाल कर देख लिया। ये जो मेटल मिला है, हालांकि अभी भी इसमें कुछ इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है, ये जो मुझे सोडियम मिला है ना, ये सोडियम मेटल है, बट 95% अभी ये मेटल है, बट अभी भी इसमें 1-5% इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है। तो इसलिए इसको हम प्योर मेटल नहीं बोलते हैं, हम इसको क्रूड मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? क्रूड मेटल। उन पांच रिएक्शन के बाद, कौन सी पांच रिएक्शन? रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, एल्यूमिनोथर्मी, स्मेल्टिंग और थर्माइट रिएक्शन, और ये इलेक्ट्रोलिसिस। इनके बाद, यानी कि फर्स्ट टू स्टेप के बाद जो हमें मेटल मिलती है, वो स्टिल उसमें इंप्यूरिटीज एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए उसको हम क्रूड मेटल बोलते हैं। तो इस क्रूड मेटल में जो 5% इंप्यूरिटीज है, उसको भी हमें रिमूव करना है, तब जाके हमें प्योर मेटल मिलेगा। और उस 5% इंप्यूरिटीज के रिमूवल के लिए हम थर्ड स्टेप अप्लाई करते हैं, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। और ये बिल्कुल कुछ ऐसा सा ही है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देखिए डिफरेंस ध्यान से क्या है। यहां पर हमने फिर से क्या लिया है, एक बीकर लिया है। इस बीकर के अंदर फिर हमने क्या लिया है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, दो इसमें इलेक्ट्रोड है। अब यहां और उसमें डिफरेंस ध्यान से देखिए, वहां जो इलेक्ट्रोड की विड्थ है वो सेम है, किसमें? इलेक्ट्रोलाइसिस में। बट यहां जो इलेक्ट्रोड की विड्थ है, ध्यान से देखो, एक काफी थिन है, पतला है, एक थिक है, ठीक है। जो थिक वाला इलेक्ट्रोड है वो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है, और जो थिन वाला है वो नेगेटिव से जुड़ा है। जो पॉजिटिव से जुड़ता है उसको हम क्या बोलते थे, जो पॉजिटिव से जुड़ता था उसको हम बोलते थे एनोड। क्या बोलते थे हम उसको? एनोड। और जो नेगेटिव से जुड़ता था उसको हम क्या बोलते थे? कैथोड। उसको हम क्या बोलते थे? कैथोड। फिर से जब मैं इस की को क्लोज करूंगा तो बैटरी के नेगेटिव से क्या चलेगा? इलेक्ट्रॉन। और बैटरी के पॉजिटिव से क्या चलेगा? करंट। तो करंट की डायरेक्शन हुई ऐसे, और ये डायरेक्शन हुई इलेक्ट्रॉन की। क्लियर। अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, उसमें हमने जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया था वो लिया था सोडियम क्लोराइड का, और जो इलेक्ट्रोड लिए थे हमने वो ग्रेफाइट के लिए थे। आप ग्रेफाइट के बदले कॉपर की भी ले सकते हो, एल्यूमिनियम के भी ले सकते हो, आयरन के भी ले सकते हो, आप किसी भी मेटल के ले सकते हो। बट यहां थोड़ा सा कंडीशन में चेंज है। क्या? एक तो जो दो इलेक्ट्रोड आप लोगे, दो में से एक काफी थिक होगा, एक थिन होगा। जो ये थिक है ये इम्प्योर भी है, ये बात याद रखना, ये थिक जो है ये इम्प्योर भी है। इम्प्योर मतलब समझते हो? इम्प्योर मतलब ये जो आपको पहले दो स्टेप के बाद जो मेटल मिली है ना, क्रूड मेटल, उससे बना हुआ है ये, और ये प्योर है। ये जो कैथोड वाला है ना, ये प्योर है, ठीक है। उसके बाद आप जिस मेटल को निकालना चाहते हो, ये दोनों इलेक्ट्रोड उसी मेटल के होने चाहिए। मान लो आप कॉपर को, कॉपर की रिफाइनिंग करने जा रहे हो, तो ये भी इलेक्ट्रोड कॉपर का होना चाहिए, ये भी इलेक्ट्रोड कॉपर का होना चाहिए, बट ये प्योर कॉपर का होना चाहिए, और ये उस कॉपर का होना चाहिए जो आपने पहले दो स्टेप लगा के क्रूड कॉपर को निकाला है। बस समझ आ रही है? ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो आप इसमें लोगे वो भी कॉपर का ही होना चाहिए। तो आप चाहो तो कॉपर क्लोराइड ले सकते हो, आप चाहो तो कॉपर सल्फेट ले सकते हो, एज यू विश आप कुछ भी ले सकते हो। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? मैं दोबारा बता देता हूं, वहां पे दोनों इलेक्ट्रोड की विड्थ सेम है, वहां कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इलेक्ट्रोड किस मेटल का लेना है। आप ग्रेफाइट का ले सकते हो, एल्यूमिनियम का ले सकते हो, कॉपर का ले सकते हो, बट यहां आपको उसी मेटल के ये दोनों इलेक्ट्रोड लेने पड़ेंगे जिस मेटल की आप रिफाइनिंग करने जा रहे हो। आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी उसी मेटल का लेना पड़ेगा जिस मेटल की आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करने जा रहे हो। जिसको आप पॉजिटिव से जोड़ोगे वो एनोड होगा, वो इम्प्योर होगा। इम्प्योर मतलब वो क्रूड होगा, क्रूड मतलब वो आपको उस मेटल का लेना है जो आपने फर्स्ट टू स्टेप लगाने के बाद निकाला है, और ये जो थिन वाला है ये प्योर लेना है, और ये भी उसी मेटल का ही लेना है, बट ये प्योर लेना है। क्लियर। अब इसमें भी वही स्टेप होगा, क्या? कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलकर यहां पहुंच जाएंगे, और जब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो इसमें दो टाइप के आयन घूम रहे होंगे, कटायन और अनायन। मान लो हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था, तो इसके अंदर Cu2+ सॉल्यूशन आयन घूम रहे होंगे और SO4 2- आयन घूम रहे होंगे। 2+ वाला कौन है? कटायन। 2- वाला कौन है? अनायन। 2+ का मतलब क्या है? 2+ का मतलब है कि इसके पास दो प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, या रिवर्स, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन कम है।
वो जो दो इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है, डेफिशिएंसी है, तो ये इसको पूरा करना चाहेगा। और ये कहां पूरे होंगे, जब ये यहां जाएगा, तो इसलिए सॉल्यूशन में से ये आयन कहां दौड़ेंगे, कैथोड की तरफ, तो एट कैथोड। कैथोड पे ध्यान से देखो क्या होगा, कैथोड पे ये Cu2+ आएगा, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो देखो दो प्लस था, एक इलेक्ट्रॉन पर एक माइनस, दो इलेक्ट्रॉन पर दो माइनस, दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रल किया और हमें दो कॉपर मिल गए। तो हमारा टारगेट क्या था, कॉपर को निकालना, निकाल लिया कॉपर, मेटल कहां पर मिलेगा, कैथोड पे। अब एनोड पे से क्या होगा, एनोड पे ये होगा कि ये जो SO4 2- है, 2- का मतलब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहे, देना चाहेगा, अपने लॉस करना चाहेगा, तो इसलिए ये यहां पर जाएगा, कहां जाएगा, एनोड की तरफ। तो एनोड पे क्या होगा, SO4 2- आएगा, ये SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। इज इट क्लियर? तो देखो एनोड पे क्या हुआ, कैथोड पे क्या हुआ, बात समझ में? बहुत ज्यादा सिंपल है, ध्यान से करना है, मैंने एक साथ करवाए हैं, बेसिक डिफरेंस दोनों में याद रखना है, वर्किंग ऑलमोस्ट दोनों की सेम है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। तो क्या होगा, देखो ये SO4 2 बार बार यहां जाते रहेंगे, अपने दो इलेक्ट्रॉन देते रहेंगे, वो इलेक्ट्रॉन यहां से चलेंगे, यहां पहुंचेंगे, यहां वो दो इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा, ये Cu2+ आयन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर में। तो कॉपर आपको कहां मिलेगा, कैथोड पर। मेटल आपको प्योर कहां मिलेगा, कैथोड पर। और एनोड पर क्या मिलेगी आपको, कोई ना कोई। तो मैंने आपको यहां पर इस वीडियो के बाद मेटलर्जिकल के तीनों स्टेप को कंप्लीट कर दिया है। 3 स्टेप के बाद जो हमें मेटल मिलेगा वो प्योर मेटल होगा, बट 2 स्टेप के जो बाद मेटल हमें मिलेगा वो क्रूड मेटल होगा, इसलिए रिफाइनिंग करनी हमें बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे क्या होगा, यहां से जो प्योर कॉपर होगा वो प्योर कॉपर यहां डिपॉजिट होता चला जाएगा, और जिसके अंदर 5% इंप्योरिटीज थी वो 5% इंप्योरिटीज यहां नीचे कलेक्ट होती चली जाएगी, यहां नीचे। और इसको हम बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं हम, एनोड मड। तो पेपर में 1 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है, एनोड मड कहां कलेक्ट होता है, एनोड मड एनोड के नीचे कलेक्ट होता है। एनोड एनोड इलेक्ट्रोड प्योर मेटल का बनता है कि इम्प्योर का, इम्प्योर का। कैथोड किसका बनता है, प्योर का, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। देखो मैंने आपको इसका बेसिक रीजन बताया कि कौन सा आयन सॉल्यूशन में से कहां मूव करेगा। मैंने बताया था जिन पे प्लस है मतलब उनका एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम है तो वो उस इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए वहां जाएंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसलिए ये पॉजिटिव वाले कटायन कहां मूव करेंगे, कैथोड की तरफ, और नेगेटिव वाले अनायन कहां मूव करेंगे, एनोड की तरफ। यहां पर भी वही हो रहा है, देखो ये पॉजिटिव वाला कटायन कहां जा रहा है, कैथोड की तरफ, और नेगेटिव वाला कहां जा रहा है, एनोड की तरफ। तो आपको ये समझना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहां हम इसको सिंपली याद भी रख सकते हैं, दैट कटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड, अनायन मूव टुवर्ड्स एनोड। तो धीरे धीरे अगर मैं इस प्रोसेस को कॉन्टिन्यूसली लगातार चलाकर रखूं तो ये जो एनोड है ना ये डिसअपियर हो जाएगा। क्यों डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें से जो प्योर मेटल होगा वो तो इस मेटल पर डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब ये जो थिन इलेक्ट्रोड था ये धीरे धीरे थिक होता चला जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर प्योर मेटल भी डिपॉजिट हो चुका है, ये ऑलरेडी प्योर पहले ही था कॉपर के फॉर्म में, इस पे और कॉपर डिपॉजिट होता चला जा रहा है, और इसका साइज कम होता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें से प्योर मेटल तो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा और जो इम्प्यूरिटीज होंगी वो इसी इलेक्ट्रोड आएगी, सॉल्यूशन में चली जाएगी। अब इम्प्यूरिटीज 2 टाइप की हो सकती हैं, शायद ऐसी इम्प्यूरिटीज हो जो वाटर में मिक्स हो जाए वो हमें नजर नहीं आएंगी, और ऐसी इम्प्यूरिटीज भी हो सकती है जो वाटर में मिक्स ना हो तो वो यहां हमें एनोड मड की फॉर्म में नजर आएंगी। तो इस वीडियो के साथ हमने मेटलर्जिकल प्रोसेसेस को कंप्लीट किया, ये दोनों प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस एंड रिफाइनिंग, और वो 5 रिएक्शन दोबारा से, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियोथर्मी, थर्माइट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।